फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को राजमा का सब्जी बनाने के लिए सिखाऊंगी। तो अगर आप लोग को मेरी रेसिपी पसंद आएगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, और बेल आइकन को बजाना ना भूलें फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स राजमा का सब्जी बनाने की। वेलकम बैक टू माई चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को राजमा का सब्जी बनाने के लिए सिखाऊंगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सभी ठीक ही होंगे, और इस टाइम लॉकडाउन में हरी सब्जियां नहीं मिलती है, तो आपके घर में जो भी चीज़ें हैं घर में बना कर खा सकते हैं। तो मेरे घर में अभी सब्जियां वगैरह बहुत कम रहती है, तो आज मैं ये देखिए राजमा का सब्जी बना रही हूँ। घर में है, था पहले से ही रखा हुआ, तो ये देखिए। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अभी मैं ये देखिए रात को ही मैं 2 कटोरे राजमा भिगा के ले रही हूँ और इसे 4-5 पानी से धो ली हूँ। इसके लिए हम ये एक बड़ी ओनियन लिए हैं, 2 स्मॉल टोमेटो लिए हैं, और ये देखिए भी मसाला लिए हैं। ये देखिए, ये है आपको रेड चिली का चॉप्ड है, और ये टर्मेरिक पाउडर, ये रेड चिली पाउडर, ये नमक, और ये ब्लैक पेपर, और ये गरम मसाला, ये जीरा, 4 इलायची, 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची। तो आप टेस्ट के अनुसार टर्मेरिक पाउडर कलर अनुसार डालिए, और रेड चिली पाउडर टेस्ट के अनुसार जैसा आप तीखा खाते हैं उस अनुसार से डालिए। और 1 टेबल स्पून स्मॉल मैं जीरा ली हूँ, और 1/2 टेबल स्पून ये ब्लैक पेपर ली हूँ, और ये गरम मसाला 1 स्मॉल टेबल स्पून ली हूँ, और ये टेस्ट के अनुसार नमक लीजिए आप। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स अब हम। तो ये देखिए, ये टोमेटो को मैं काट लूँगी, और ये ऑनियन को भी काट लूँगी, और दोनों मिक्स करके मैं ग्राइंड करूँगी। तो चलिए अब मैं ग्राइंड करने जा रही हूँ टोमेटो और ये ऑनियन। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अभी मैं ग्राइंड कर ली हूँ टोमेटो और ऑनियन, काट के और ग्राइंड कर ली हूँ दोनों साथ में। और ये देखिए, मैं थोड़ा सा प्याज काट के बारीक रख ली उसी में से। तो अब मैं, ये कुकर गर्म हो गया है, तो इसमें मैं 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, तो ये देखिए बड़ी इलायची, लौंग, ये छोटी इलायची, जीरा, सारे भुनने के बाद मैं इसमें ऑनियन डाल दूंगी। ऑनियन देखिए ब्राउन भूनने के बाद मैं ये पेस्ट इसमें डाल दूंगी, और इसे भी ब्राउन भून लेंगे। ये देखिए अभी भून रही है ब्राउन। तो जैसा कि मैं पहले बोली थी, मसाले वगैरह सब एक साथ मैं भून लूंगी, और नमक भी डाल दी हूँ क्योंकि मैं कुकर में बना रही हूँ, तो एक साथ ही भून रही हूँ। अगर कढ़ाई में बनाना है तो आप नमक लास्ट में डालें, मैं साथ में ही डाल के भून लेती हूँ सबको। और अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो ज़्यादा रेड चिली पाउडर डालिए, और मैं ग्रीन चिली का चॉप जो ली हूँ उसके जगह आप ग्रीन चिली भी ले सकते हैं, सॉरी मैं रेड चिली का चॉप ली हूँ। तो ये देखिए अभी सारे ब्राउन भून लेंगे। तो ये देखिए ब्राउन भून गई है, तो मैं, ये देखिए ऑप्शन है घी, तो मैं 1/2 टेबल स्पून घी डाल रही हूँ। मेरा बेटा घी वगैरह खाता नहीं है, तो आप लोग भी डाल सकते हैं, तो घी डालने से ज़्यादा टेस्ट लगती है। ये देखिए अभी सारे मसाले कितने अच्छे से भून गई है,
और इसमें अब जो दो कटोरे मैं रात को भिगा के राजमा ली थी अब मैं इसमें डाल दूँ। मैं इसे एक मिनट तक भून लिए हैं, अब इसमें वाटर डाल देंगे। और अगर चावल में खाना है तो 2 ग्लास वाटर डालिए, और अगर नहीं रोटी में खाना है तो 1.5 ग्लास वाटर बहुत हो गया। ये देखिए मीडियम फ्लेम में हम अब इसे 2 सीटी लगाएंगे, क्योंकि रात का भिगा हुआ है तो जल्दी बन जाता है कुकर में। और अगर डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो 3 सीटी लगाइए कुकर में मीडियम फ्लेम में। मैं 1 या 2 सीटी लगाऊंगी तो ये बन के तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी देखिए हमारा राजमा बन के तैयार हो गया है, तो इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स अभी ये देखिए राजमा का सब्जी बन के तैयार हो गया है। तो अगर आप लोगों को मेरे राजमा का सब्जी पसंद आया रेसिपी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें फ्रेंड्स, और बेल आइकन को बजाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स हमारी रेसिपी की। थैंक यू फ्रेंड्स।